तो कैसे आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो काफी दिनों बाद हम सीएसई का बड़े नहीं बहुत बड़े अपडेट निकल कर लेकर आ गए आप लोगों के बीच, जिसमें आप लोग उस सर्विस में काम करते तो महीने का आप 5 से 6 लाख आराम से अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी सर्विस के बारे में क्लियर रूप से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और सीएसई के कोई भी अपडेट के ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे आप बिल्कुल एड फ्री वीडियो मिलने वाला है। किसी प्रकार का वीडियो पर आपको एड देखने को नहीं मिलेगा। तो एड फ्री वीडियो देखने एड फ्री सीएसई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बीबीएफटी इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जानते हैं बहुत ऐसा चैनल है जिसपे आपको एड वीडियो पर बढ़ के देखने को मिल जाता है, लेकिन आप टोटली यहाँ से हमारे इस चैनल बीबीएफटी इन्फो पे एड फ्री वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं और जानते हैं सीएससी के जो हमारा न्यू अपडेट निकल के आया है वो अपडेट क्या है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो डायरेक्ट हम सीएससी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आ गए हैं, और जो हमारा ऑफिशियल पेज है इसी पेज पे जो हमारा सीएससी का अपडेट आता रहता है वो हमारा हमेशा आता रहता है। और ट्विटर पे भी आप आ सकते हैं, ट्विटर पे भी हमारा जो सीएससी का अपडेट है वहाँ पे भी जारी किया जाता है। तो हम सीएससी पेज फॉलो करते हैं, सिंपल से हम पेज सीएससी पेज के बारे में सीएससी के न्यू अपडेट के बारे में जानते हैं। तो सिंपल से हम सीएससी के ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं। सिंपल से हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला ही अपडेट निकल के आया, 1 घंटा पहले निकल के आया। यह अपडेट बहुत समय पहले भी निकल के आया था सीएससी के थ्रू सिनेमा घर ओपन करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आप सिनेमा का मालिक बनना चाहते हैं? क्या कम निवेश में श्रेष्ठ सिनेमा घर सेटअप करना चाहते हैं? 5 लाख से भी ज्यादा का कमाई आप कर सकते हैं अगर आप सीएससी वीएलई है तो। सिंपल से यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है इस सिनेमा का मालिक बनने के लिए। अगर आप सिनेमा घर यानी कि जो हमारा होता है हॉल हॉल ओपन करना चाहते हैं अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने सिटी में हॉल ओपन करना चाहते हैं, तो आप सीएससी के थ्रू आसानी से मतलब कि इसका सेटअप कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए से भी आपको इसमें कम निवेश लगता है, और एक अच्छा खासा नहीं बहुत अच्छा खासा सिनेमा घर सेटअप करके आपको सीएससी के थ्रू दिया जाता है। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसका सारा प्रोसेस क्या है, अब हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके जानते हैं। सबसे पहले तो आपको यह लिंक देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सिंपल से वहां पे क्लिक करके आप इस लिंक पे आ जाइएगा, या आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको यह लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आप सिनेमा का मालिक बनना चाहते हैं और जो हमारा पूरा डिटेल्स है सिंपल से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल से यह आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे देखने को मिल जाता है क्लिक टू अप्लाई। सिंपल से क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना। क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि अपने भाषा का चयन कीजिए। तो आप हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे हम हिंदी भाषा सेलेक्ट किए या इंग्लिश भाषा सेलेक्ट किए। सिंपल से यहाँ पे आपका जो भाषा आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उस भाषा में फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है वीएलई नाम। सबसे पहले तो आपका पहला नाम यहाँ पे इंटर करना है। पहला नाम के मतलब यहाँ पे हमारा जो होता है किसी किसी का नाम होता है सूरज कुमार चौधरी, ठीक। तो यहाँ पे पहला नाम हमारा हो गया सूरज कुमार हो गया, जो हमारा मिडिल नेम हो गया, और जो हमारा लास्ट नेम हो गया चौधरी वो हमारा उपनेम हो गया। तो यहाँ पे आपको पहला नाम इंटर करना है, जैसे कि हमारा हो गया सूरज कुमार चौधरी। तो यहाँ पे हम सूरज कुमार यहाँ पे इंटर करेंगे और उपनेम यहाँ पे जो हमारा चौधरी हो गया यहाँ पे आप वो इंटर करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपना नेम इंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सीएससीआईडी। सीएससीआईडी यहाँ पे इंटर कर सीएससीआईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है उम्र। सिंपल से यहाँ पे आप उम्र जितने साल का है यहाँ पे आप फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका देखने को मिल जाता है लिंक। सिंपल से आपको यहाँ पे लिंक फिल करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सीएससी केंद्र का विवरण। यहाँ पे आप अपना सीएससी जहाँ पे चलाते हैं सीएससी का नेम है आप जो रखे हुए हैं, सिंपल से आपको वह सारा फिल करना है। सबसे पहले तो आपको सीएससी केंद्र का नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, सिंपल से आपको यहाँ पे गांव का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मकान नंबर प्लॉट नंबर फिल करना है, पता यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको
इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जिला देखने को मिल जाता है, जिला एंटर कीजिए, राज्य एंटर कीजिए, सीमा ची यानी कि लैंड मार्क हमारा होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि आपके आसपास में गवर्नमेंट स्कूल है या कोई टेम्पल है, सिंपल से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद शहर या कस्बा फिल कर सकते हैं, पोस्टल एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शहर या कस्बा फिल करना है, इसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस यानी कि पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद संपर्क यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईमेल आईडी, सिंपल से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। जो सीएससी में आप दिए हुए हैं वो भी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको कॉन्टेक्ट किया जाए सीएससी के टीम के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपके सीएससी केंद्र पे कितने कर्मचारी यानी कि कितने व्यक्ति आपके सीएससी केंद्र पे काम कर सकते करते हैं। तो यहाँ पे आप स्वयं काम करते हैं यानी कि सेल्फ काम करते हैं, सिंपल से यहाँ पे आप एक चीज करिएगा, अगर आपके सीएससी सेंटर पे एक से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो यहाँ पे वो फिल कीजिए। और 9 में यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि क्या आप एक ग्रामीण में सिनेमा घर ओपन करेंगे, तो क्या आप स्वयं चलाना मतलब कि पसंद करेंगे या किसी अदर व्यक्ति से आप अपने सिनेमा घर को यहाँ पे चलवाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्वयं चले सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई अन्य चलाएंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपके गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप अपने एरिया और गांव के मिलाकर यहाँ पे कुल जनसंख्या मतलब कि एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट में क्या सिनेमा परिषद की स्थापना के लिए आपको 2000 वर्ग फुट का यहाँ पे कुल क्षेत्रफल यानी कि जमीन होता है वो आपके पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, हाँ कीजिए, सिंपल से आप यहाँ पे हाँ ही कीजिएगा, यहाँ पे नहीं नहीं कीजिएगा। अगर नहीं आप फील करते हैं तो आपको यहाँ पे सिनेमा घर मिलने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप सिनेमा घर ओपन करना चाहते हैं वो आपका खुद का जमीन है या किराए के मतलब की जमीन पे आप ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपल से आप यहाँ पे स्वामित्व यानी कि खुद का जमीन पे मतलब की ओपन कीजिएगा तो बेहतर रहता है। अगर आप किराए के जमीन पे भी ओपन करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से आप यहाँ पे दोनों में से कोई फिल कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिनेमा स्थल कहाँ खोलना चाहते हैं यानी कि सिनेमा घर हॉल होता है वो आप कहाँ ओपन करना चाहते हैं, वहाँ का आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे गांव का नेम, जिला का नेम, राज्य का नेम और यहाँ पे सीमा चिन्ह यानी कि लैंडमार्क देखने को मिल जाता है, सारा चीज आप यहाँ पे फिल कीजिएगा, पोस्टल एड्रेस फिल कीजिएगा। और जो आपका मतलब कि जहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं वहाँ का आप गूगल मैप पर जो हमारा लिंक आता है सिंपल से वो लिंक कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखने को मिल जाता है कि आप सिनेमा घर ओपन जो कर रहे हैं वो मॉल के अंदर है या मॉल के बाहर है, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आप जहाँ पे सिनेमा घर ओपन हॉल ओपन कर रहे हैं वो मॉल के अंदर ओपन कर रहे हैं या मॉल के बाहर है, सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे संग्रहालय व्यवसाय कार्य देखने को मिल जाता है, स्वयं इमारत देखने को मिल जाता है, स्वतंत्र इमारत देखने को मिल जाता है। स्वतंत्र इमारत का मतलब कि फ्री जगह है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का मॉल नहीं है और वह हमारा खुद का जगह है, उस पर हम ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद स्थानीय बाजार, स्वयं व्यवसायिक दुकान देखने को मिल जाता है, मॉल शॉपिंग सेंटर देखने को मिल जाता है और खुद का मैदान देखने को मिल जाता है, सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ कोई सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि क्या आपके गांव में या आसपास के किसी क्षेत्र में सिनेमा घर है, अगर है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप ये यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नेक्स्ट पेज, सिंपल से नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, चलो फटाफट यह सारा प्रोसेस करके हम आगे का प्रोसेस जानते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है नेक्स्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए, यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे पहले तो पूछा जाता है कि प्रस्तावित यहाँ जहाँ पे आपका जो जो आप सिनेमा हॉल ओपन करना चाहते हैं उससे आपके एरिया का सिनेमा घर है वो कितना दूरी पे है, सिंपल से आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गांव के लोगों के मनोरंजन का क्या साधन है, यहाँ पे आप फील कर सकते हैं मोबाइल टीवी, यहाँ पे आप फील सकते हैं, यहाँ पे जो मना आप यहाँ पे फील कीजिए, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको यहाँ पे मोबाइल टीवी यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट में देखने को मिल जाता है कि आपके आपके जो जहाँ पे आप सिनेमा हॉल ओपन करना चाहते हैं उसके बगल में 5 से 25 किलोमीटर के अंदर में कितने गांव शहर है, सिंपल से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि
इन सभी आसपास गांवों की कुल जनसंख्या कितनी हो सकती है? सिंपल सा आपको यहाँ पे अंदाजा लगाना है, अंदाजा के अनुसार यहाँ पे आपको फिल कर देना। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि क्या आप अपना स्वयं का पैसा लगाना चाहते हैं सिनेमा में, ये जो आप हॉल ओपन करेंगे उस हॉल में आप स्वयं का पैसा लगाना चाहते हैं, 5 से 7.5 लाख का बीच आपको यहाँ पे सारा मतलब कि पैसा खर्च हो सकता है। तो यहाँ पे आप यस कीजिए या आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऋण लेना चाहते हैं यानी कि किसी प्रकार का लोन लेकर यह ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मतलब सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमेशा हाँ ही सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है कि क्या आपको हॉल ओपन करने में या ऐसे निवेश करने में आपको ऋण की आवश्यकता होगी। अगर आपको किसी प्रकार का लोन की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि क्या आप ग्रामीण सिनेमा सेटअप करने के लिए 21,000 रुपये पहले एडवांस पेमेंट होता है, जो मतलब कि किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए तैयार है? तो सिंपल से आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि क्या आपके गांव के क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपका वर्तमान इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन है, तो यहाँ पे आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके गांव एरिया में मतलब इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। और यहाँ पे आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको यहाँ पे ना फिल करना। उसके बाद अगर है तो आप यहाँ पे हाफ फिल कीजिए, और हाफ फिल करने के बाद जैसे कि हमारा वोडाफोन हो जाता है, जियो हो जाता है, जो हमारा इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करके यहाँ पे उसका नेम इंटर कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपके एरिया में और आपके क्षेत्र द्वारा जो मतलब कि इंटरनेट की सुविधा ले रहे हैं उसका जो स्पीड मिनिमम स्पीड क्या है और मैक्सिमम स्पीड क्या है, यहाँ पे आप दे सकते हैं 5 MB, 10 MB यहाँ पे आप दे सकते हैं पर सेकेंड के अनुसार यहाँ पे आपको फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है कि आप जब किसी प्रकार का सिनेमा चलाते समय जो हमारा इंटरनेट का सर्वर डाउन हो जाता है उस समय आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई अदर चीज फिल करना हो, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली सबमिट कर देना है। चलिए फटाफट यह सारा प्रक्रिया करके हम आगे फिर से सबमिट करते हैं और जानते हैं आगे का प्रोसेस। तो सिंपल से आप यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अप्लीकेशन सक्सेसफुल जनरेट कर दिया जाएगा और फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है, कुछ समय वेट करने के बाद CSE के जो सिनेमा घर टीम होता है उसके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, और कॉल करने के बाद आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा। जैसे ही हमको कॉल आता है सबसे पहले आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि क्या क्या डिटेल्स बताया गया और क्या क्या सामानों की आवश्यकता होगी। सिंपल से आपको यहाँ पे वह सारा मतलब कि डिटेल्स एकदम क्लियरली फुल सुनना है। उसके बाद आप सिनेमा घर लेने के लिए एग्री होंगे तो वहाँ पे आपको फाइनल मतलब कि कंफर्मेशन देना है। उसके बाद CSE के टीम के द्वारा आपके गांव या विलेज में विजिट करने के CSE के टीम आपके गांव या विलेज में विजिट करेंगे, आपका एरिया देखेंगे और एरिया के अनुसार वहां पे सिनेमा घर ओपन होने वाला होगा तो आपको एरिया में सिनेमा घर ओपन कर दिया जाएगा। तो यही हमारा प्रोसेस है। अब चलिए जब हमारा कॉल आता है उस कॉल के अनुसार आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। कुछ यही कुछ इतना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।